झारखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वहीं राज्य में अब ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है। राज्य सरकार के निर्देश पर दुमका जिला प्रशासन फेस मास्क को लेकर काफी गंभीर हो गई है। बता दें कि रविवार को DTO पी बारला के नेतृत्व में विवेकानंद चौक पर सघन मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है। नगर थाना पुलिस के सहयोग से चलाए जा रहे इस अभियान में बगैर फेस मास्क के घरों से बाहर निकलकर सड़क पर घूमने वालों को पकड़कर कैंप जेल भेजा जा रहा है। ऐसे लोगों को कैंप जेल भेजने के लिए जांच स्थल पर बस की भी व्यवस्था की गई है। उन्हें बस में बैठाकर कैंप जेल पहुंचाया जा रहा है। ओमिक्रॉन का तेजी से प्रसार हो रहा है, इसको देखते हुए हिदायत के तौर पर राज्य सरकार ने एक आदेश निर्गत किया है कि कड़ाई से अनुपालन किया जाए फेस मास्क। इसी सिलसिले में उपायुक्त के स्तर से कैंप जेल का निर्धारण किया गया है तीरंदाजी ग्राउंड पर। तो उसी के सिलसिले में जो भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़ करके कैंप जेल में डिटेन किया जा रहा है और उन्हें टेस्ट करा करके शाम को छोड़ दिया जाएगा। तो यह है कि लोग इसकी महत्ता को समझें, इसके प्रसार को गंभीरता को समझें और अनुशासित रहें, मास्क पहने, और जो भी मास्क नहीं पहनेंगे उनको कैंप जेल में डिटेन करके शाम को ही छोड़ा जाएगा। मौके पर मौजूद DTO पी बारला ने बताया कि इन लोगों के कैंप जेल पहुंचने के बाद उनका कोविड टेस्ट किया जाएगा। कोविड टेस्ट नेगेटिव आने पर उन्हें शाम तक छोड़ दिया जाएगा, वहीं रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक एक दर्जन लोगों को कैंप जेल भेजा जा चुका है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। दुमका से पंचम झा की रिपोर्ट।